जय झोलो जानकारी चैनल है, फिर से सब लोगों का स्वागत है। ये देखिए डीजी पावर कर का अंदर में हम लोग का ये जो कॉन्ट्रेक्टर दो लगा रहता है, ये K44 और K46। तो इसका क्या काम है, इसका मेन काम होता है ये 750 सप्लाई को। ये हम लोग का देखिए 100 एम्पियर ये 125 एम्पियर फ्यूज है, जैसे ये हम लोग का गाड़ी में एलईडी को उसमें पेंटिकर में देखने को मिलेगा K44 46। लेकिन इसमें दूसरा काम होता है इसका, ये भी ट्रांसफार्मर में ही भेजता है सप्लाई। इसमें दो ट्रांसफार्मर होता है जो 750 वोल्ट को 415 में चेंज करके इसको ऊपर में भेजता है। इसका ये देखिए 100 एम्पियर फ्यूज लगा हुआ है ये हमें। तो इसका ट्रांसफार्मर में ये सप्लाई खाली कॉन्ट्रेक्टर में 60 kV ट्रांसफार्मर में पहुँचने का काम करता है। तो इसका ये सप्लाई कहा जाता है हम लोग का जो रेडिएटर फैन होता है, तो रेडिएटर वेंटिलेशन फैन इसके लिए ये मतलब 60 kV ट्रांसफार्मर उसको सप्लाई भेजता है। तो ये कॉन्ट्रेक्टर का मैंने बताने का यही कारण है, जो कॉन्ट्रेक्टर ये होल्ड कैसे होता है और सप्लाई कहाँ से लेता है ये सप्लाई। तो इसका इनकमिंग जो सप्लाई है, तो इनकमिंग सप्लाई है हम लोग का ये डायरेक्टली, ये देखिए जो हम लोग का जो ये देखिए वर्किंग पावर कॉन्ट्रेक्टर जो होता है, ये देखिए K04। तो इसका इनकमिंग से सप्लाई डायरेक्ट K44 में गया है, इनकमिंग सप्लाई इधर इनकमिंग है। और देखिए हमें डबल डबल वायर दिख रहा है अब, तो इनकमिंग यहाँ से ये हम लोग का K44 का इन में गया है और इस तरफ आउट है। तो यार K06 जो है ये देखिए हमें भी डबल डबल वायर देख सकता है, रेड येलो ब्लू न्यूट्रल जो भी है। तो ये इसका डबल डबल वायर से ये भी पतला पतला वायर यहाँ से टर्न के ये डायरेक्टली मेन सप्लाई ये रेड येलो ब्लू न्यूट्रल इसके लगा हुआ है। इसका 750 लाइन, ये 750 है डायरेक्ट, 450 नहीं है। तो ये 750 ये आउट होने के बाद ट्रांसफार्मर में जा रहा है। तो इसका हम बताएगा जो K44 और K46 ये होल्ड कितना वोल्ट से होता है और कैसे होता है, इसका सप्लाई कैसे आता है। तो इसका देखिए जो K44 46 ये होता है 415 इसका कॉयल है, मतलब 415 वोल्ट से ये होल्ड होता है। लेकिन इसके लिए कोई ट्रांसफार्मर अलग से नहीं लगा हुआ है, जैसे कि हम लोग का बहुत सारा कॉन्ट्रेक्टर होता है जैसे K4 5 6 7, उसके बाद फीडर 1 2 जो भी है बास कपलर, इसके लिए अलग अलग ट्रांसफार्मर रहता है, इसके लिए कोई ट्रांसफार्मर नहीं है। तो सबसे पहले देखिए एक को हम बता देता है यार, जो K44 का इधर से इन सप्लाई मेन सप्लाई लिया K44 में K04 से, तो यह से एक ब्लैक वायर ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल को देखिए क्वांटिटी हम लगा के दिखा रहा है कहाँ पर जा रहा है, ये देखिए क्वांटिटी हम लगाया मीटर में, देखिए वहाँ पर ये देखिए कंटिन्यूटी आपको देखे सुनाई दे रहा है। ये कंटिन्यूटी हम देखा दिया, ये वाला वायर जो ब्लैक वायर ये कहाँ आ रहा है, ये देखिए पैनल जो होता है का जो डीजी एनाबेल जो कन्वर्टर एनाबेल स्विच होता है ये रोटरी स्विच में आ रहा है। तो यह से आउट होने के बाद ये सप्लाई, ये सप्लाई यहाँ से आउट होने के बाद ये हम लोग का ये डायरेक्टली जो एक्चुअली ये वागो में जाता है, ये वागो दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए हम बोल नहीं सकता है, ये वागो थ्रू जाता है। तो ये देखिए K44 का सप्लाई जो अंदर में आपको देखने को नहीं मिलेगा, A1 A2 अंदर में है, थोड़ा कॉइल अंदर में है, मतलब इसका A2 में डायरेक्ट न्यूट्रल इसका जा रहा है। और दूसरा सप्लाई, दूसरा सप्लाई देखिए इन यहाँ से लिया गया ये ब्लू, देखिए K44 का इनकमिंग से, ये इनकमिंग K04 से न्यूट्रल ले लिया था और ब्लू एयर को यहाँ से इनकमिंग से लिया। ये ब्लू एयर यहाँ से इनकमिंग लेने के बाद हम लोग का जो पैनल होता है, ये जो डीजी पैनल होता है, डीजी पैनल आप देख सकते हैं, ये डीजी पैनल है, ये सामने जो हम लोग का ट्रांसफार्मर है, हम लोग जैसे ऑन, ये देखिए ऑन स्विच पुश बटन ट्रांसफार्मर, ये ऑफ स्विच पुश बटन। तो सबसे पहले ये ऑफ स्विच पुश बटन पर आएगा, हम देख रहे हैं पीछे से, देखिए ये ट्रांसफार्मर ऑफ स्विच पुश बटन है। तो देखिए ये ट्रांसफार्मर ये वाला सिंगल लाइन यहाँ में आया, ये सिंगल वायर वहां से एक आया, लेकिन यहाँ आते ही ये डबल हो गया सप्लाई। तो डबल क्यों हो गया, यहाँ से एक सप्लाई ये ऑन स्विच पुश बटन पर जा रहा है, ये ऑन स्विच पुश बटन है, यहाँ से एक जा रहा है और दूसरा कहाँ जा रहा है, ये दूसरा यही सप्लाई यहाँ से उठ के हम लोग का K44 है कॉन्ट्रेक्टर, ये देखिए K44 है। तो इसका ऊपर तरफ इसका NONC लगा रहता है, तो इसका ऊपर में भी एक इसका NONC एक ऑक्सिलरी कॉन्ट्रेक्टर लगा हुआ है। आपको ये देखिए थोड़ा सा अंदर होने के कारण में हम इसे ये देखिए एक वायर देखने को मिल रहा है, ये ब्लू वायर है, तो इसका NO तरफ जा रहा है, तो इसका NO में जा रहा है ये सिंगल वायर। और दूसरा वायर जो ट्रांसफार्मर ये ऑन में आ रहा था ऑफ से, एक वायर एक तो बता दिया NO में जा रहा है K44 का NO में, और ऑन पुश बटन से फिर ये आउट होने के बाद ऑन स्विच जैसे हम ये पुश करेगा उसका आउट होगा, आउट होने के बाद
ये दूसरा तरफ फिर एनो, इस तरफ तो एनो ऑफ से आ रहा था, ये दूसरा तो अंदर में आपको डबल सप्लाई देखने को मिलेगा, लेकिन ये ऊपर होने के कारण में आपको देखा नहीं पा रहा है। ये देखिए टन के थोड़ा सा आपको, ये देखिए डबल एयर है, ये देखिए डबल एयर आपको दिखा रहा है सर, ये देखिए डबल एयर दिख रहा है आपको ब्लू एयर, क्योंकि वहां से एक आया फिर यहां से ही ये सप्लाई डायरेक्टली हम लोग का इसका कॉन्ट्रेक्टर का A1 में डायरेक्ट गुजर है, क्योंकि ट्रांसफार्मर से एक आया था और यहां से सप्लाई को ले लिया A1 को, तो इसे कॉन्ट्रेक्टर ये होल्ड हो जाता है। तो दूसरा कॉन्ट्रेक्टर जो कि 46 है, इसको भी वैसे ही सेम है, बता देता है जल्दी से, कंटिन्यूटी नहीं लगाएगा। तो इसका देखिए जो K06 है, इसका इनपुट से ये सप्लाई बोला था जो 750 जा रहा है, तो इसका न्यूट्रल यहाँ से ले लिया। ये लेने के बाद हम लोग का जो डीजी पैनल है, तो इसका जो HOG डीजी, इसका ये एनाबेल स्विच है और कन्वर्टर भी, ये रोटरी स्विच में आएगा, ये दो नंबर पर आएगा। यहाँ से आउट होने के बाद न्यूट्रल, ये न्यूट्रल यही वायर है, ये काला वाला वायर आपको देखेगा, काला वाला यहाँ से आउट होने के बाद ये सप्लाई हम लोग को डायरेक्ट ये वहाँ को थ्रू जाएगा, ये लेकिन जाएगा K46 का A2 में जाएगा। और दूसरा सप्लाई यही इनकमिंग, देखिए ब्लू से ले लिया, ये देखिए K46 का ये ब्लू से ले लिया सप्लाई, तो देखिए K46 का जो इनकमिंग से ब्लू से एक फेज ले लिया, लेने के बाद ये डायरेक्ट हम लोग को जाएगा वो ट्रांसफार्मर ऑफ स्विच स्विच बटन में, पैनल का ऑफ स्विच स्विच बटन यही है, तो इसका सिंगल वायर यहाँ में आ रहा है, फिर यहाँ से देखिए डबल वायर है, एक वायर हमारा ऑन स्विच में जा रहा है और दूसरा ये सप्लाई ये उठ के जाएगा K46 का। ये देखिए एनो है, इस तरफ सिंगल वायर नीचे है, देख सकते हैं आराम से, ये देखिए एनो है, ये सिंगल ऑफ स्विच से आ रहा है एनो में, ANC नहीं है ये, एनो अंदर में एनो में आ रहा है। और दूसरा वायर, दूसरा ये ऑन स्विच होते हुए ये सप्लाई आउट होगा ऑन स्विच से, ये ट्रांसफार्मर ऑन स्विच से आउट होने के बाद ये K46 का, इसका ये देखिए अंदर में डबल है दिख रहा है, इसका एनो में जा रहा है आ रहा है एक, और यहाँ से लूप कनेक्शन मतलब यहाँ से उठ के ये हम लोग का K46 का इसका A1 में अंदर में कॉयल है, तो इसका A1 में इसे जा रहा है। तो हम बता दिया इसको क्या काम होता है और कंट्रोलिंग कैसा होता है, तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा।